feeling so excited. कृष्ण जन्माष्टमी भी चली गई और टीचर्स डे भी आ गया, आज वो भी चला जाएगा। धीरे धीरे ऐसे साहब सारे के सारे टाइम अपने आप से निकलते जाएंगे। जिसको जो बनना है वो बन जाएगा और जिसको जो नहीं बनना है वो ऐसे ही रहेगा। किसी ने कहा था मुझसे कि जिस दिन अगर आपने अपनी आदतें बदल ली ना तो आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा, नहीं तो आपके साथ में वही होता होएगा जो आज तक होता आया है। वही रोज का रोना धोना, वही बहाना, वही एक्सक्यूजेस, कुछ कल की कुछ फिकर नहीं, कुछ परवाह नहीं, दिस काइंड ऑफ स्टफ हैविंग विथ यू। और बोलते ना टीचर्स डे पे आपकी जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, हमारे ब्लैक जो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड के अक्षर से भले रंग काला है मगर उसी ब्लैक बोर्ड ने हमारा फ्यूचर बनाया है। राइट, आई एम राइट, राइट। बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, बहुत सारे सोच हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कुछ भी रत्ती भर परवाह नहीं है। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर बार यही समझाने में टाइम निकल जाता है कि भाई तुमको क्या बनना है, तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं जो करता हूँ क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इवन उन लोगों में मैं भी एक टाइम इंक्लूडिंग था। पहले तो कुछ भी नहीं पता होता था कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है, बस चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जॉब लग गई है बस 9 to 5 वाली जॉब, मजे आ रहे करने में, हफ्ते में 2 छुट्टी मिल रही है, मजा आ रहा है करने में, कुछ परवाह नहीं, ना हेल्थ की फिक्र ना किसी चीज की सोच, धजिया पड़ी हुई है हेल्थ की तो कुछ भी पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ मोटिवेट होना और मोटिवेट करना भी, तो पता लगा यार पर्पस, फिर मज़ा आया, लाइफ का पर्पस मेरा यही होना चाहिए क्योंकि इसमें मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि इसमें मेरे को मज़ा आता है। तो धीरे 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 लाइफ आगे बढ़ती गई, इस कदर बढ़ती गई कि अब उसमें ना इतना घुल मिल गया हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ भी कोई कॉर्ड्स ना पढ़ूँ दिन भर में एक बार, या फिर मैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स ना सुनूँ जो मुझे मोटिवेट रखे, या फिर ऐसा कुछ ऐसा पूरा जो मेरा वातावरण है ना जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिससे उठता बैठता हूँ, और हर समय ना सिंपल है कि भाई मोटिवेट रहना है, खुद को भी रहना है दूसरों को भी रखना है, यही एक रूल है। और इतनी अच्छी हैबिट बन गई ये वाली, मुझे लगा ही नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड टू टॉकिंग विद माय मॉम, माय ब्रदर, माय सिस्टर, द आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं हम, देर इज़ नो एनी कि कोई रास्ता नहीं है कि नहीं होएगा, होएगा मगर कहीं ना कहीं अलग ढंग से अलग तरीके से होएगा, सो दैट ये इंटरेस्टिंग मेरे को बनाए रखता है यार, मेरे को और अच्छा लगता है। तो गाइस आप भी अपना इंटरेस्टिंग ढूंढिए यार, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या तुम्हें करने में मज़ा आता है, चाहे उसके पैसे मिले या ना मिले, ना मिले और अगर पैसे की उम्मीद में बैठे रहोगे तो शायद से कुछ भी नहीं होना, मतलब वो टेम्प्ररी है ऐसा। और सपने बोलते ना, किसी ने सच्ची कहा है कि सपने इतने बड़े देखो कि सब बोले पागल हो गया है, तो क्या रियलिटी देख रहा है, क्या सपने देख रहा है, कौन से बेस पे देख रहा है, अरे तुम्हारा देखने का काम है लोगों को बोलने दो और सपने बड़े देखो, आज नहीं तो कल। अगर आपके जो सपने हैं ना, अगर आपको दिन भर परेशान कर रहे हैं यार, तू वो काम जो करना चाहता है और वो काम नहीं कर रहा है, अंदर से रिग्रेट आ रहा है एक कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरा सपना है ना मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, एक परसेंट भी नहीं जा रहा हूँ, तो अंदर से ना एक रिग्रेट आता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो मेरे साथ में गड़बड़ हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे साथ में कैसा फील होता होगा अगर मैं नहीं करूँ ना ऐसा कुछ भी, मतलब जो मेरे गोल की तरफ मुझे ना लेके जाए, तो आई फीलिंग कि यार आज का दिन मैंने ना ऐसे मतलब वेस्ट कर दिया, ना कुछ सीखा, ना किसी को सिखाया और ना किस कहीं से अपन वो जो नॉलेज है गेन किया, तो थोड़ा अफसोस होता है कभी कभी।
बट फिर वो क्या गया, मेरे को अफसोस में डूबना तो नहीं है ना, आगे बढ़ना है। तो ओके शशिकांत, कल नेक्स्ट जो तेरा डे आएगा वो तेरा ही है, किसी और का नहीं है, सो आई कैन इम्प्रूव माई डे टूमोरो। सो इस तरह से अलग अलग रास्ते ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार आज ऐसे हुए तो उसको सॉर्ट आउट करके अपना काम फिनिश करना है। और गोल स्टेटमेंट, ये बड़ा जो साइन बोर्ड है ना, गोल स्टेटमेंट, मैं बात करता हूँ गोल स्टेटमेंट, ये मुझे अच्छा खासा मोटिवेट रखता है। कभी भी कुछ भी ऐसी फालतू बातें जो ऐसी होने लगी मेरे घर वालों से या फिर मेरी जो फ्रेंड है उनसे, तो मैं बोलता हूँ कि यार गोल स्टेटमेंट फर्स्ट है, फिर बाद में आगे काम होएगा, मस्ती होएगा, फन होएगा, सब होएगा, जैसा सब कुछ होता आया है, सब मजे कर रहे हैं ना, पता लगा कि हाँ भाई मैं तो बन गया वो रामदास, ये करते रहे करते रहे करते रहे, और फैमिली फन सब कुछ साइड में, बहुत मज़ा आता है मूवी देखने में, बहुत सब कुछ करता हूँ यार, इन्जॉय भी करता हूँ, मगर काम पहले, उसके बाद फिर टाइम निकाल लेता हूँ। अगर तुम्हें जिस चीज़ से प्यार है तो पहली बात तो तुम्हारे माइंड में ऐसा सपना ही नहीं आया, ऐसा सोच ही नहीं आएगा कि यार अब थोड़ा मस्ती या मजाक कर लेते, मुझे तो नहीं लगता। हाँ आपके में आता होगा तो बात अलग है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ कि मेरे को ऐसा लगता है। और सही में लास्ट, अगर मैं एक हफ्ते में एक वीडियो ना बनाऊँ, अब तो ऐसे ही एडिट करने वाला हूँ और कर भी चुका हूँ, ना बनाऊँ ना कुछ अजीब सा फील होता है यार, तू बनाया क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, लोग है घर में, अकेलेपन चाहिए, बाहर निकल जा, वहाँ पे बना। बट जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट में मैं घर में अकेला होता हूँ तो मैं बना देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ही बनाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे ही मेरे को खुद को बताना है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप भी सोचते होंगे कि मैं अपने पैशन को कैसे पहचानूँ, मैं अपने सपने को कैसे पहचानूँ, मैं अपने जिसको पसंद करता हूँ उस पर कैसे टिके रहूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे ना माइंड में, क्योंकि माइंड हमारा लाखों अनलिमिटेड थॉट से भरा हुआ है, इतने थॉट से भरा हुआ है कि हम कभी उसके ऊपर स्टे नहीं कर पाते, राइट। तो अपने आप से खाली एक ही बार पूछिए कि जो मैं करना चाहता हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं इसे कर पाऊँगा, या जस्ट थियोरेटिकल बातें कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और का देख के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड उस लाइन में है, मेरे कजन्स उस लाइन में हैं, मेरे रिलेटिव बोल रहे हैं कि तू ये कर, मेरी मम्मी मुझे आके बता रही है कि तू ये कर, मगर रियल हैप्पीनेस और जो रियल जो तुम पसंद करते हो तुम्हारे अंदर ही है, तुमको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, बिना खुद की बातें, अगर आप खुद के बारे में जानना सीख गए ना कि क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, तो इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि सारी जो सारा का सब ही लोग हैं ना, जो जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, सबकी ह्यूमन बॉडी सेम है, सबका सोचने का तरीका सेम है, बस सफल वही हो पाता है जो ज़्यादा सोचता है और उसके ऊपर काम करता है, एक्शन लेता है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। आप भी लीजिए, कुछ सोचिए अपने बारे में जो तुमको ज़्यादा ही पसंद करने में मज़ा आता है, चाहे वो यूट्यूबिंग हो, चाहे वो ऐसा काम कि उससे तुम्हें पैसे भी मिले फ्यूचर में, फ्यूचर ब्राइट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर, कुछ भी हो, चाहे वो क्रिकेट क्यों ना हो, चाहे फुटबॉल क्यों ना हो, कुछ भी ऐसा काम, एक्टर क्यों ना हो, सिंगर क्यों ना हो, मगर तुम्हें मज़ा आना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम्हें बोले मज़ा आया क्या, तुम्हें दूसरा आगे कुछ बताया भाई तेरे में मज़ा नहीं आया, ऐसा ना होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो मतलब वो बस ऐसे तुमने किसी का देखा है और किया है, ऐसा आ जाएगा एक दिन, मगर अगर तुम अंदर से करने की चाहत होगी ना, भले से स्टार्टिंग में लाइक्स कम मिलेंगे जिस तरह अभी हो रहा है मेरे साथ में, रियल एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, लाइक्स नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, इट्स ओके, मगर मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, आज नहीं तो कल ज़रूर बढ़ेंगे। और गाइस थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए मुझे लास्ट 10 मिनट, और सभी लोगों को मेरी तरफ से टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोग आगे बढ़िए, अपना गोल चूज किए, फॉलो करिए सब, मैं है ना सबको सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहता हूँ, किसी को ना मतलब ये ना बोले कि यार मेरे नसीब में ये नहीं है, नसीब बस फटाओ यार, करो एक्शन लो, सबको बनना चाहता हूँ, और मेरा जो मैं वीडियो बनाऊँगा आप सबको मोटिवेट रखने की कोशिश करूँगा, पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश करूँगा, सो दैट अब तक मेरा वीडियो पहुंचे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी, सो आई कैन रीच यू, आप तक सही से पहुंच जाओ। सो गाइस सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, आगे भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारे वीडियो ऐसे लेके आने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को शायद से सोचने का एक नया नजरिया बदल देगा कि हाँ शायद मेरे को ये करना चाहिए जो मेरे को पसंद है। सो गाइस हिट द सब्सक्राइबर बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। We'll be right back.